नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि संबंधित है कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म से। बहुत से माता पिता जो कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट करवा चुके हैं, उन्हें यह लगा कि जब उन्होंने फॉर्म भर के जमा करवा दिया है, उनसे कुछ जानकारी गलत भर दी गई है और अब वे चाहते हैं अपने द्वारा भरे गए फॉर्म को रद्द करना यानी डिलीट करना और फिर से फॉर्म को भरना। तो आज की वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ किस प्रकार ऑनलाइन फॉर्म भरकर जो सबमिट कर दिया गया है उसे कैसे रद्द किया जाए और फिर कैसे आप नए फॉर्म को भर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी भी बहुत से ऐसे माता पिता हैं जिन्हें केंद्रीय विद्यालय दाखिला संबंधित ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो यदि आप यह वीडियो उनके साथ बांटेंगे फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, तो आपकी वजह से उन्हें सहायता मिलेगी। मैं आप सभी को बहुत खुशी से यह भी बताना चाहूँगी कि मैंने अपने एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी है जिसका नाम है फीमेल फंडे। उसमें मैं स्वास्थ्य से संबंधित, त्वचा की देखभाल से संबंधित, सामाजिक मुद्दों पर आधारित बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। मैं आप सभी को यह बताना चाहूँगी कि यह जो वीडियो केंद्रीय विद्यालय की वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फीमेल फंडे की अपनी पहली वीडियो जो कि त्वचा की देखभाल पर आधारित है का लिंक दिया है। आप एक बार वह वीडियो ज़रूर देखें। मैं यह बात बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार आप अपने बच्चों का फॉर्म डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in गूगल में। यह वही वेबसाइट है जहां पर आपके बच्चे का कक्षा पहली का फॉर्म भरा गया था। आप वेबसाइट का नाम लिखेंगे kvsonlineadmission.kvs.gov.in, क्लिक करेंगे इस प्रकार से आ जाएगा। वेबसाइट को आप क्लिक करिए, जो पहला लिंक आ रहा है उस पर वेबसाइट का नाम आ रहा है, उस पर क्लिक करिए, इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए सबसे कोने में लिखा है चेक एप्लीकेशन स्टेटस, यानी एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना, उस पर क्लिक करिए। ये इस प्रकार से बॉक्स खुला आ जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है बच्चे का लॉगिन कोड। मैंने आपको कहा था लॉगिन कोड को नोट करके रख लीजिए, कहीं आपके मोबाइल में भी आया होगा। तो जो आपके बच्चे का लॉगिन कोड है वह आप लिख दीजिए, और जो मैंने एप्लीकेशन भरते समय जो KVS की तरफ से लॉगिन कोड आया था वह मैंने भर दिया। दूसरे खाने में आपको भरना है बच्चे की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, पहले बच्चे की दिनांक, फिर महीना और फिर साल। अगला आएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर जो आपका है माता पिता का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वह भर दीजिए। और मैं जो एक नंबर भरने लगी हूँ जो कि मेरा नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, सिर्फ फॉर्म भरने के लिए मुझे किसी ने दिया है। अब अगला है ये भर दीजिए नंबर, और नंबर भरने के बाद है अगला कैप्चा कोड। आपने कैप्चा कोड भरना है, ध्यान से देखिए कैप्चा कोड क्या है। स्मॉल कैपिटल जो भी लेटर्स लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे कैप्चा कोड है 62 कैपिटल एल कैपिटल एफ, ये देखिए क्लिक कर दिया और इस प्रकार से ये आ गया। और अब आपको फॉर्म कैंसिल करना है तो कैंसिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए चाहे तो आप व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन भी देख सकते हैं और कैंसिल एप्लीकेशन पे भी। कैंसिल पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से डब्बा खुला आ जाएगा, इसमें लिखा है कि आप कैंसिल करवाना चाहते हैं। यह कह रहा है कि एक बार आपने कैंसिल कर दिया तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास आपके द्वारा जो आपने फॉर्म भरा था उसकी सारी जानकारी खत्म हो जाएगी, आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप फिर से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, फिर से सबमिट नहीं कर सकते। आप फिर से फॉर्म को भर सकते हैं, फिर से जमा करवा सकते हैं, लेकिन ये वाली एप्लीकेशन जो आप रद्द कर रहे हैं, ये वाला आवेदन प्रपत्र जो आप रद्द कर रहे हैं, ये कैंसिल माना जाएगा। हाँ, यानी कि यस कैंसिल पे नीले वाले डब्बे पे आप क्लिक कर देंगे। नीले वाले डब्बे पर अच्छे ढंग से पढ़िए और नीले वाले डब्बे पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन कैंसिल के लिए आगे ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। और जब आप कैंसिल पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर फिर से एक कोड आएगा जो आपने दोबारा इसमें भरना होगा। यहाँ पे अच्छे ढंग से देखकर यस पे आप यस कैंसिल कर दीजिएगा और आपके मोबाइल पर एक कोड आएगा। ये देखिए यस कैंसिल। अब आपके मोबाइल पर एक कोड भेजा है उन्होंने, एक पासवर्ड भेजा है, एक OTP भेजा है। अब आपको 15 मिनट के अंदर अंदर वह वैध होगा। अब आपको वह OTP इसमें भरना है जो आपके मोबाइल पर आया, जो मेरे पास जो उसमें मोबाइल है उस पर जो आया मैं भर रही हूँ। कैप्चा कोड
स्मॉल एस कैपिटल आर कैपिटल के स्मॉल आर कैपिटल एस स्मॉल यू, जैसे आपको आएगा आप ऐसा भरिएगा। और अगर नहीं आए तो डिड नॉट रिसीव ओटीपी का भी नीचे कॉलम है, देखिए ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ, ओटीपी बोल दीजिए आप, वन टाइम पासवर्ड कहते हैं इसे, कोड बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, क्लिक कर दिया आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। एप्लीकेशन इज कैंसल्ड एट 26 जुलाई 2020 9:42 PM, इतने बजे एप्लीकेशन कैंसिल हो गया। ये कह रहे हैं कि अब आपका बिल्कुल रद्द हो गया है। अब आप चाहे आप रद्द किए आवेदन को पुनः भर सकते हैं पिछले भरे विवरण के साथ आवेदन करने या नए सिरे से आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए उपयुक्त बटन पर क्लिक करें, या फिर बिल्कुल शुरुआत से नई जानकारी भरना चाहते हैं तो ऑरेंज वाले पे रीअप्लाई फ्रेश पे, या फिर जो आपका डेटा भरा हुआ है उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म रद्द हो गया है, अब आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। और इस बार जो फॉर्म भरेंगे उसे बहुत आराम से भरिएगा, और उम्मीद करती हूँ आपका फॉर्म अच्छे तरीके से भरा जाए और आपके बच्चे का आपके मनचाहे स्कूल में दाखिला हो। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल फीमेल फंडे को आपके सहयोग की आवश्यकता है। सबकी शिक्षा को तो सब्सक्राइब करिए ही, इस वीडियो को लाइक करिए ही, लेकिन मेरे नए चैनल के लिए मुझे सहयोग ज़रूर दीजिए, मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।